सहत कदमी वालों चेयरमैन बनाए गए तलवंडी साहब के जी जी तो एक अज भी प्रोग्राम रखा गया तो अगर थोड़िया की कार्रवाई है। देखो मैं जितों तक सहित अकादमी के चेयरमैन की गल है वो मेरिया साहित्य कालनामा मुख रख के कह लो समाज के साहित के मेरी जगह धार्मिक खेत्र कह लो समाज सेवा के खेत्र कह लो वो मैनू ये सेवा बख्शी है। मैं कोई चेयरमैन बन के नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा बन गया वो पहला वाला बलवीर सिंह स्नेही रहांगा चेयरमैन ही अपने थाते है सत्कार करदे आ चेयरमैन का अहुदा मैनूं दित्ता मैं जित्थों तक भी हो सकिया उस अहुदे की जिहड़ी गौरव गरिमा है उहनूं पूरी तरह निभाऊंगा। जे उत्ते कज दा सवाल है इत्थे दमदमा साहिब सभा का प्रोग्राम है ये तलवंडी साबो का अज तो 39 साल पहला कह लिया जाए 1981 च 40 साल होने लगे ने जो मैं दीपक जैतोई साहब न इस धरती के उत्ते गुरु धारण किया साहित्य खेत्र के तो लैके मैं साहित्य सभा नाल जुड़े हाँ विचली काम ज़्यादा होने करके अपन जिम्मेवारियां होने करके क्योंकि साहित्यक मंच नथेहा विखे भी जो बलपिंदरा साहब सभा नाम हेठ पहला काम करता रहा हूँ भी पुनर्सर्जित किया गया मैं इस करके मेरी जिम्मेवारियां होर वधिया ने मैं हर खेत्र जिहड़े भी सज्जन मेरे नाल इस खेत्र च आउणगे भावें समाज सेवा का खेत्र है भावें साहित्यक खेत्र है मैं उन्होंने नाल लैके चलांगा और पंजाबी माँ बोली की प्रफुल्लता लई मैं अपना एक एक सवास लेखे ला देंगा। एक जी माँ बोली की गल की है अजकल के जो गीतकार ने वह ज़्यादा तौर पर अंग्रेजी शब्द ज़्यादा वरत रहे हैं गीतों के बारे में थोड़ा की कहना। देखो मैं एकदम खिलाफ हाँ इस गल के भाषावान का भाषाई सत्कार है अंग्रेजी का अपने साथे सत्कार है हिंदी का अपने साथे सत्कार है असी पंजाबी हाँ तो सानू पंजाबी बोलना चाहिए पंजाबी लिखनी चाहिए पंजाबी पढ़नी चाहिए है। मैं तो कई बार खुद भी कहना हुंदा जे कमेंट वगैरह करते हैं असीं किसी उत्ते कोई सानू कोई फेसबुक पर भी आउंदा तो वह भी सानू पंजाबी दे विच करना चाहिए क्योंकि असी माँ बोली के निखार लई प्रसार लई काम करना नहीं तो इउं हौली हौली दूजियां भाषावां दे शब्द है जिहड़े वो पंजाबी दे विच घुसड़दे जाणगे रल गोभा बन जाएगा ते साडी आउण वाली जिहड़ियां पीढ़ियां ने वो आस मौजूदा समां इस तरह का उन्हां लई घातक होवेगा जी। हाँ जी अज्ज दा कवि दरबार आ जी खोखर साहब नूं सन्मानित किया गया ये वास्ते की कहोगे तो अगे तो की प्रोग्राम लिखा गुरदेव सिंह खोखर जिन्हों असी सन्मानित किया दमदमा साहब सहित सभा वालों साडा फर्ज बनता है क्योंकि एक जागे मनुखां दे विचों वो कला लोजक नहीं है वो विद्वान सज्जन है पढ़िया लिखिया सज्जन है उन्हें पता है कि संसारी सोच जिहड़ी एक साजिश है इत्थे विगाड़ी गई है नैगेटिविटी भरू है इत्थे समाज नूं कोई नींदा नहीं कुछ की किया जाए असी अपने कर्म कसाई वाले सारे लोगों ने एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी कोई लिखता है उहदा संसार दे विच मुल पैना चाहिए ताकि हौसला अफजाई होवे। अज असी तीन पुस्तकां जो रिलीज़ कीतियां ने तिना दे विच बहुत वड्डी सेधमई सिधांतक पुस्तकां ने इह पढ़ो लगन दे नाल
विचारो तो फिर उन्होंने धारो यदा बहुत बड़ा आने वाले समय के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैं सारे जिन्हें भी साढ़े संचार मीडिया नाल संबंधित से बंदे पुजे ने उन्हों का सहत सभा दौनमा साहब सहत सभा के सरप्रस्त होने के नाते जल्द ही गहराइया च समूहक तौर पर धन्यवाद करना। हाँ जी सर, की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कहानीकार अतरजीत है जी। अतरजीत कहानीकार, श्रोमणी साहित्यकार हूँ मैं। सर की कहना चाहूँगा? मैं इस समागम में आके बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इस करके हुई है कि एक अगां बधू विचारधारक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वता भरपूर जिहड़े साडे व्यक्ति गुरदेव खोखर होरां नूं सम्मानित किया गया है दमदमा साहब तलवंडी साबो साहित सभा वालों। जगरूप सिंह मान बहुत होनहार हस्ती सीगे जिन्हां नूं अज इत्थे याद किया गया। मैं इस गल्लों इत्थों दे प्रबंधकां नूं साहित सभा वालियां नूं वधाई दिंदा ते नाल ही गुरदेव सिंह खोखर होरां नूं नाल वधाई दिंदा क्योंकि मैं मेरे दिमाग विच जो गुरदेव खोखर दा नक्शा है वह एक समाजवादी विचारधारक विज्ञानक नज़रिए वाले व्यक्ति के तौर पर है जिन्हों के बारे मेरा बहुत सत्कार योग थान है मेरे मन में। उन्होंने भी मैं इस गलों मुबारकबाद दिना। हाँ जी सर, सब तो पहले की नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र प्रीत घणिया, मीत प्रधान केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा। प्रधान जी देखो अजक सह रहे हो वधिया, अजक रचनावान बारे कवियों को कहना चाहते हो, संदेश की देना चाहते हो अजक जो? मैं सारे कवियों यही कहना चाहता है कि वो समय के हाण दियाँ समकाल के नाल संबंधित जिहड़ियां रचनावां लिखण जिहदे विच्चों जिहड़ियां साडियां समाजिक सरोकार है फिक्र हैगे है। अज सब तो वड्डा फिक्र जिहड़ा साडियां जिहड़े तीन काले कानून हन, संयुक्त किसान मोर्चा वल्लों जिहड़ा दिल्ली के बार्डर के उपर मोर्चा लाया होया है उहदे नाल संबंधित उच्च फिजिकली भी शमूलीयत करन जाके वो ते नाल दी नाल उस विषय नूं लैके जिहड़ा रचनावां भी अपनी लिखण ताकि केंद्र सरकार उत्ते दबाव पाया जा सके ते ये तीन काले कानून जिहड़े हैगे आ वापस ले जा सके। जे हुण गल करिए जिवें पंजाबी दी हुंदी है ते अंग्रेजी विच जिहड़े अजकल दे लेखक आ गीतकार आ जिवें पंजाबी अंग्रेजी विच वाड़ दिंदे आ ते लोक उहनूं पसंद भी करदे आ, की कहना चाहुंदे हो? इह समां हमेशा बदलदा रहिंदा हैगा, जिहड़ी नवीं जनरेशन हैगी है उह उहनूं पसंद करदी है, पर जिहड़े कमिटेड जिहड़े प्रतिबद्ध लेखक हैगे आ जां पाठक हैगे आ उह इस रुझान नूं पसंद नहीं करदे गे। जे तुसीं पंजाबी बोलदे आ तां शुद्ध पंजाबी बोलो, जे अंग्रेजी बोलदे आ तां शुद्ध अंग्रेजी बोलो। जे तुहाडे सामने वाला व्यक्ति तुहाडी मात भाषा जाणदा हैगा है तां असीं उहदे नाल अंग्रेजी विच क्यों गल करीए? इह ढा लाउण वाली रुचि हैगी है। मैं इह जिहे गीतकारां नूं इही सुझाव दिंदा हैगा है कि वह ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ।